हम कुछ ग्रामर का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं तो बच्चों आओ आज की लेसन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी बुक्स अपने हाथ में रख लो एक पेंसिल पकड़ लो और एक नोटबुक को अपने साथ रख लो आज मैं श्रद्धा आपको सिखाने वाली हैं ग्रामर के बहुत इंटरेस्टिंग कुछ टॉपिक्स को सो ग्रेड सिक्स सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने पहले कभी एक्टिव और पैसिव वॉइस का नाम सुना है बिल्कुल सुना है हमने इससे पिछले यूनिट में यूनिट नंबर फाइव में एक्टिव और पैसिव को डिस्कस किया था हमने इससे पिछली क्लासेस में भी यानी ग्रेड फाइव ग्रेड फोर में भी डिस्कस किया है एक्टिव और पैसिव वॉइस को

डायरेक्ट एग्जाम्पल से स्टडी करेंगे आज का लेसन जो लेसन नंबर थ्री है हमारा वो है पेज 155 से लेकर 156 तक इन दो पेजेस के ऊपर जितना भी आज कंटेंट लिखा गया है आज हम उसको स्टडी करेंगे यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखी है हमने इस यूनिट के स्टार्ट में बात की थी कि हमारा जो टाइटल है वो है सर्चिंग यानी जो वर्ब हम यूज करेंगे वो वर्ब होगी सर्च फाइंड इन्वेस्टिगेट टू लुक फॉर इस तरह की वर्ब्स के ऊपर हम बात करेंगे ठीक है तो हमने आज एक्टिव पैसे वॉइस के अंदर भी फाइंड की वर्ब को लेके देखना है कि उसको एक्टिव में कैसे लिखेंगे और पैसिव में कैसे लिखेंगे ठीक है मैं यहां पर लिख देती हूं वर्ड फाइंड ठीक है ये वो एक ऐसी वर्ब है जिसको यूज करते हुए आज हमने इस लेसन को कंप्लीट करना है ठीक है स्टूडेंट्स अच्छा तो जो यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिखी हैं इनको मेरे साथ देख लें आप पहली है टू फाइंड एक्टिव ये एक्टिव वॉइस के अंदर यूज होती है यानी कि, कि हम इसको कह देते हैं फाइंड यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो कहाँ लगती है एक्टिव सेंटेंसेस के अंदर टू बी फाउंड जहां पर आपको मैंने बताया था बी का वर्ड लग जाए और जो हमारा वर्ब है वो पास्ट में चला जाए इसका मतलब है कि ये पैसिव सेंटेंसेस है अबाउट इट सबको समझ आ गई रिविजन हो गई वेरी गुड अच्छा अब ये, जो लिखे, ये को हम करेंगे. बच्चों ये है, past, के लिए बनाने और पास में एक्टिव वॉइस और पैसे कैसे बनाने हैं ठीक है? है अब इसको देखो अब एग्जाम्पल्स को मैं डायरेक्टली स्टडी करती हूँ लेटर इन दिन में बाद में फोर फाइन हिस्सा वो अपने बाप से मिल लेता है वो उनको ढूंढ लेता है ठीक है यहाँ पर ये यह देखे जो वर्ब है हमारी वो यूज हुई हुई है किस में लिखी है प्रेजेंट में है? तो हमें ये पता चल गया कि एक्टिव सिंपल प्रेजेंट जो ये पार्ट है क्या आपको बता रहा है कि ये एक्टिव सिंपल टेंस है बिल्कुल तो हम कहते हैं कि जो ये बात यहाँ लिखी हुई है एक्टिव सिंपल प्रेजेंट वाली ये हमें इस वर्ब की वजह से समझ में आ गई क्लियर ओके लास्ट वीक द डाइविंग टीम फाउंड द रेक लास्ट वीक पिछले हफ्ते द डाइविंग टीम जो गोताहोर टीम थी जो गोताहोर वाले लोग थे उन्होंने क्या किया था दे फाउंड द रेक उन्होंने प्लेन के बचे कुछ हिस्से क्या किए ढूंढ लिए फाउंड हमें ये पता चल रहा है कि ये पास्ट में दी गई है तो सिंपल पास्ट टेंस हमें ये बता रहा है कि ये एक्टिव की पास्ट सिंपल पास्ट क्या है फॉर्म है समझ आ गई है ओके okay.

तो हमें यह पता चल गया ये वाली जो पास्ट वर्ब थी इसने हमें बता दिया कि ये कहा से आया है ये पैसिव में बना है ठीक है इन ऑफ द स्टोरी यानी कि वाली जो बात थी वो कहाँ लिखी गई स्टोरी के एंड पे पहली वाली बात बाद में आ गई बाद वाली बात पहले आ गई और जो वर्ब थी वो किसमें चेंज हो गई पास्ट वर्ब में तो याद आया किसी को कि ये कौन सा पैसिव है वेरी गुड ये है पैसिव सिंपल टेंस हमने इसके बारे में में पढ़ा था ना बिल्कुल ये वही है जी अब इस वाली पे आ जाएं. Last week, the diving team found the wreck. आपको पता चल गया कि लास्ट वीक विल रिमेन द सेम अब देखें यहां से मेन सेंटेंस के अंदर जो रेक था ये आ गया बिल्कुल शुरू में सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट की जगह चेंज हो गई Was found जब was फाउंड की बात आ गई तो हमें पता चल गया कि ये क्या था वेरी गुड ये था पास्ट वर्ब तो हमें ये पता चल रहा है जब object, subject की जगह हो रही है तो पता चल रहा है कि ये पैसिव टेंसेज हैं और कौन से पैसिव टेंसेज गुड यहाँ तक की बात सबको समझ आ गई हो गई रिविजन सबकी परफेक्ट अब हम क्या करने जा रहे हैं हम इससे रिलेटेड करने जा रहे हैं एक राइटिंग टास्क तो आओ उसको सॉल्व करते हैं ओके, सो ग्रेड हमने जो राइटिंग टास्क आज करना है उसको हमने इसी तरह सॉल्व करना है, जैसे हमने सीखे है okay, brackets, find, हमने क्या करना है वर्ब एक ही यूज करनी है इन पांचों के अंदर कौन सी वर्ब एग्जैक्टली exactly, यही फ्रेजल वर्ब टू फाइंड और हमें यहाँ पे इस ब्लू पार्ट में बताया गया है कि इसकी आपने जो यहाँ वर्ब लिखनी है उसकी वॉइस कौन सी होगी उसका टेंस कौन सा होगा और अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो नेगेटिव का भी बताया हुआ है कि नेगेटिव सेंटेंसेस लिखने हैं तो हमने क्या बनानी है नेगेटिव पैसिव सिंपल पास्ट वर्ब कैसे बनाएंगे स्टार्ट करते हैं हम सेंटेंस को पढ़ेंगे और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे बच्चों सोचेंगे कि क्या लिखना है यहाँ पे गलत नहीं लिखना चले अगर गलत लिख भी लिया तो कोई बात नहीं उसको ठीक कर लीजिएगा ठीक है ओके एमी एमी जॉनसन का प्लेन प्लेन डैश फॉर ओवर इयर्स साठ सालों तक नहीं मिला उर्दू में तो समझ आ गई टू फाइंड की वर्ब यूज करनी है ना अब सबसे पहले देखो टू फाइंड है इसका पास्ट क्या होगा लिख लें यहाँ पे पास्ट वर्ब इसकी क्या है फाउंड पास्ट में हमारे पास जो ऑक्जिलरी वर्ब एवी लिख ऑक्सिलरी वर्ब वेरी गुड पास्ट ऑक्जिलरी वर्ब कौन सी लगेगी वॉज और प्रेजेंट में कौन लगेगी? Well की verb, कौन होगी? ठीक है अच्छा जी अब देखें एमी जॉनसन प्लेन पास्ट में बनाना ना सिंपल पास्ट में कहा से लिखेंगे वॉज पास्ट वर्ब क्या होगी फाउंड तो हम लिखेंगे यहाँ पे वॉज Found. अब मैंने बीच में ये जगह क्यों छोड़ी है कौन बताएगा वेरी गुड वेरी स्मार्ट क्योंकि हमने यहां पैसिव तो हम भी बना लिया हमने simple past में भी लिख लिया और किसमें लिख लिया सेंटेंस में चलो जी सेकेंड एग्जाम्पल वेन वी डैश द रैक वी विल स्टडी इट केयरफुली सेट द लीडर ऑफ सब एक्वा टीम सब एक्वा टीम थी ना जिसने रेक सेडिमेंट के नीचे से जाके ढूंढा था है ना वो उस टीम के लीडर ने क्या कहा कि जब हम इस रेक को ढूंढ लेंगे तो हम इसको बड़ी केयरफुली स्टडी करेंगे यानी हम इसको क्या करेंगे बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे कि रीजन क्या था इन्वेस्टिगेट करेंगे कि मिस जॉनसन की डेथ कैसे हुई ठीक है अच्छा जी अब हमने क्या बनाना है हमने एक्टिव सिंपल प्रेजेंट बनाने हैं प्रेजेंट की तो वर्ब यही है और एक्टिव सिंपल प्रेजेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे उंगली लगाएंगे फाइंड सिर्फ लगाएंगे फाइंड व्हेन वी फाइंड आप याद रखें जब हमने पैसिव बनाने हैं उस टाइम पे हमने ये ऑक्सिलरी वर्ब यूज करनी है अदरवाइज नहीं यूज करनी व्हेन वी फाइंड द रेक वी विल स्टडी इट केयरफुली सेंटेंस की सेंस बन रही है वेरी गुड नंबर थ्री आफ्टर एमी जॉनसन डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम हर फ्लाइट इन 1914 द टीम सर्चड फॉर हर प्लेन जब एमी जॉनसन 1914 में अपनी फ्लाइट के बाद वापस नहीं आई तो उसकी टीम ने उसके लिए सर्च करना शुरू किया लुक फॉर याद आया ना बट नो रिमेन ऑफ इट अगेन, फाइन वाली बात पे आ जाओ पैसिव बनाना है सिंपल पास्ट में सिंपल पास्ट में एग्जैक्टली सिंपल पास्ट की वर्ब। वेरी गुड तो हम सिंप कहीं यहां लिखे कि नेगेटिव बनाना है नहीं तो हम क्या लिखेंगे No remain of it was found. कोई नेगेटिव नहीं है तो यहां तक हमने सेंटेंस कर दिया कंप्लीट अंडरस्ट वेरी गुड नंबर फोर वेन दे रेक लास्ट वीक दसा बैकवर्ड टीम वॉज ओवर जॉयड बहुत ज्यादा खुशी का इजहार करना एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा जो आप अचीव कर लें किसी चीज को तो आप कहें ना कि आप जरूरत से ज्यादा खुश हो गए ओवरजॉयड हो गए हैं. ठीक है तो ओवर जॉय कहते हैं ऐसी एक्साइटमेंट की फीलिंग को जब आप जरूरत से ज्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा काम हो जाए ठीक है तो सब एक टीम ने क्या किया लास्ट वीक जब उस रेक को ढूंढ लिया तो देवर ओवर जॉय बहुत खुश थे अब ढूंढने वाली बात पे आ जाए फाउंड वाली बात पे एक्टिव सिंपल पास्ट यहां ऊपर आ जाए सिंपल पास्ट एक्टिव बनाना है उसके साथ क्या कोई auxiliary verb लगेगी बिल्कुल नहीं जबरदस्त वेन दे फाउंड ओनली फास्ट वर्ब ठीक है रेक लास्ट वीक दस बैक वॉल ओवर ज्वाइन ओके नंबर फाइव इफ द रेक अगर वो रेक इस साल ना मिला पैसे सिंपल प्रेजेंट में बनाना है और नेगेटिव ऊपर आ गए जी पैसिव बनाएंगे तो वर्ब कौन सी आएगी इज फाइंड नो इज फाउंड और क्या करना है साथ नेगेटिव बनाना है तो हम लिख दें इफ द रेक नेगेटिव के लिए लगा दिया नॉट और साथ में हमने पैसिव में हमेशा क्या करनी होती है पास्ट वाली फॉर्म लगानी होती है ठीक है सेकेंड फॉर्म इज नॉट फाउंड दिस ईयर इट विल बी फाउंड नेक्स्ट ईयर सेट द लीडर ऑफ द सब टीम अब आपको समझ आ गया एक्टिव और पैसिव को कैसे लिखना है वेल डन स्टूडेंट्स आज हमने मिलके एक्टिव और पैसिव वॉइस को स्टडी कर लिया और साथ-साथ हमने क्या किया एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया अब अगर आपको कभी भी कहीं भी कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ दिखाई दे और मिस्टरदा आपको कहें कि बच्चों जल्दी से इसके अंदर से मुझे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को निकाल के बताओ या एक्टिव और पैसिव वॉइस की पास्ट और प्रेजेंट फॉर्म को आइडेंटिफाई करके बताओ तो आप कर लेंगे जल्दी से वेरी गुड स्टूडेंट तो अब हमने क्या करना है एक और छोटा सा ग्रामर का पार्ट करना है यानी यानी कि हम जिस को डिस्कस कर रहे हैं वो है 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 हमारी जो थी, find, search, है? हमने यहां पर जो थी ठीक हमने पर करना है, इस ग्रामर के टेंसेस के अंदर वो है टू फाइंड आउट टू फाइंड आउट का मतलब है किसी चीज के लिए इन्वेस्टिगेट करना टू लुक फॉर आंसर टू फाइंड आउट द्रूथ यानी सच्चाई के लिए क्या करना कोशिश करना था कि आपको सच का पता चल जाए यानी कि जब इन्वेस्टिगेशन की तो सस्पिशियस जब हो रहे थे हम हमने सस्पेक्ट किया तो उस टाइम पे हमने क्या किया वी लुक्ड फॉर ट्रूथ हमने सच के लिए क्या किया कोशिश की तो टू फाइंड आउट ट्रूथ ओके अच्छा जी यहां पर इस पार्ट के नीचे बच्चों आपकी बुक में एग्जाम्पल दी गई हैं एग्जाम्पल ए बी सी डी एंड ई ये जो एग्जाम्पल्स हैं फाइव इनको आपने जो पर्पल बॉक्स है इसके अंदर से जल्दी से स्टडी कर लें एग्जाम्पल स्टडी करें उसके बाद में आपको कुछ बताने वाली है वेल डॉन स्टूडेंट एग्जाम्पल्स पढ़ने से आपको समझ आई ना कि एक जो ये फ्रेजल वर्ब है टू फाइंड आउट इसको कितने तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ लिखा जाता है हाँ जी अब हमने क्या करना है जो एग्जाम्पल्स आपने अभी पढ़ी हैं इनका आपने करना है आंसर कैसे वॉट इज बींग फाउंड आउट फाइंड आउट हो जाना किसी चीज का मिल जाना क्या होता है क्या आंसर आप दे सकते हैं इसका क्या मतलब है कि आई या मुझे मिल गई वो चीज या मैं मुझे सच मिल गया तो अगर हम यहां लिखें इस तरह इट मीन्स इट मीन्स टू फाइंड आउट और इसको अगर मैं कहूं रिवील द ट्रूथ रिवील मतलब किसी चीज के ऊपर से पर्दा उठ जाना ठीक है अच्छा जी वट काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन वुड बी रिक्वायर्ड अगर मैं कहूं कि किसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन कैसी रिक्वायर होगी एग्जैक्टली exactly, हमें क्या करेंगे आपने इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में लिखना है तो वी विल राइट द डीप एंड डीप एंड थोरो इन्वेस्टिगेशन वुड बी रिक्वायर्ड ठीक है किस चीज के लिए सच्चाई को जानने के लिए क्या चाहिए हमें डीप यानी बहुत गहरी और थोरो मतलब कंप्लीट हर एक पॉइंट को पूरा करती हुई ऐसी इन्वेस्टिगेशन वुड बी रिक्वायर्ड की जरूरत होगी ठीक है जी ये हमने पता कर लिए दो क्वेश्चन के आंसर इन क्वेश्चन के आंसर को अपनी बुक में लिखना आपके लिए जरूरी नहीं है

स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडे मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में तब तक के लिए अपने सारे काम अपने सारे टास्क को कंप्लीट करके रखिएगा खुश रहे एंजॉय करें अपनी स्टडीज अल्लाह हाफिज